टीवी इंडस्ट्री में यूं तो कई सारे कलाकार आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं टीवी इंडस्ट्री में उन कलाकारों के बारे में जो कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करते हैं और अपने इर्द गिर्द ही पूरे के पूरे सीरियल को लेकर घूमते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी चुलबुली अदाओं से, अपनी बातों से, अपने हंसी मजाक वाले सीन से लोगों को खूब इम्प्रेस करते हैं। आज के इस वीडियो के जरिए हम उन्हीं चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में बताने वाले हैं जो टीवी सीरियल्स में अपनी दमदार एक्टिंग से सबका दिल जीत लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से चाइल्ड आर्टिस्ट शामिल हैं। नंबर वन, आकृति शर्मा, कुल्फी। आपको बता दें कि सीरियल कुल्फी कुमार बाजेवाला में नटखट सी बबली लड़की नजर आती हैं। उनका नाम है कुल्फी कुमार बाजेवाला, जिनका रियल नेम है आकृति शर्मा। इंडियन ऑडियंस ने उनके किरदार को खूब पसंद किया था। सीरियल में वो गाना गाते हुए नजर आती हैं और अपने किरदार को बखूबी भी निभाती हैं। उनके मस्ती भरे अंदाज को भी लोगों ने खूब ज्यादा पसंद किया था। नंबर दो पर बात करते हैं हर्षिता ओझा की। वेल दोस्तों, कोई भी सीरियल वीरा की हर्षिता ओझा को भूल नहीं पाया होगा, जो अपने पंजाबी एक्सेंट और अपने चुभी लुक से सबको खूब ज़्यादा इम्प्रेस करती है। वीरा का किरदार निभाने वाली हर्षिता ओझा ने इंडस्ट्री में अपना बहुत नाम कमाया है। नंबर तीन पर बात करते हैं अनुष्का सेन की। वेल, आपको बता दें कि अनुष्का सेन अब चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं रह गई हैं, लेकिन बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने काफ़ी लोगों का दिल जीता है। वो आजकल सीरियल्स में नजर आती हैं और साथ ही साथ म्यूजिक एल्बम्स में नजर आने लगी हैं, फिल्मों में नजर आने लगी हैं। लेकिन अनुष्का सेन ने अपने करियर की शुरुआत सीरियल बाल वीर से की थी, जिसमें उन्होंने अपने अंदाज से सभी का दिल जीता था। और आजकल अनुष्का सेन अपनी बोल्ड ग्लैमरस अवतार से भी सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस लिस्ट में नंबर चार पर बात करते हैं केविना टक की। छोटी सरदारनी यानी कि परमजीत का किरदार निभाने वाली केविना टक भी उन बच्चों में से एक है जिसने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की और अपने सरदार वाले नॉटी लुक से सभी को खूब ज्यादा इंप्रेस किया। मतलब आपको बता दें कि ये एक टैलेंटेड चाइल्ड एक्ट्रेसेस में से एक हैं। इस लिस्ट में नंबर पांच पर नाम आता है वैष्णवी प्रजापति का। वेल, आपको बता दें कि वैष्णवी प्रजापति चीकू की मम्मी दूर की सीरियल में नजर आई थी। वेल, ये एकदम 2021 का ब्रांड न्यू शो रहा है और ऑडियंस ने वैष्णवी प्रजापति को भी खूब पसंद किया है। चीकू का किरदार निभाने वाली वैष्णवी ने अपने इस किरदार को बखूबी निभाया है। इस लिस्ट में नंबर छह पर बात करते हैं रूहानिका धवन की। वेल दोस्तों, रूहानिका धवन को कौन नहीं जानता। ये है मोहब्बती सीरियल में रूही का किरदार निभाने वाली रूहानिका धवन अपने इस किरदार से सबके दिलों में छा गई थी। आज भी उन्हें टीवी सीरियल की बेस्ट एक्ट्रेस कहा जाता है और वो हमेशा ही अपने किरदार से लोगों को इम्प्रेस करती नजर आ ही जाती हैं। वेल, इस लिस्ट में नंबर सात पर नाम आता है औरा भटनागर का। वेल दोस्तों, बोंदिता को तो सभी जानते होंगे। सीरियल बैरिस्टर बाबू में बोंदिता का किरदार निभाने वाली औरा भटनागर ने अपनी बंगाली एक्सेंट से सभी को खूब इम्प्रेस किया। और आपको बता दें कि उन्होंने अपने लुक से भी लोगों को खूब ज्यादा इम्प्रेस किया था। एक चाइल्ड एक्ट्रेस होने के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे किरदार निभाए इस सीरियल में और आज वह एक पॉपुलर चाइल्ड एक्ट्रेस बन चुकी हैं। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर नाम आता है सुवर्णा पांडे का। वेल, आपको याद है पीहू जो कुंडली भाग्य सीरियल में नजर आई थी। आपको बता दें कि इनका असली नाम सुवर्णा पांडे है। सुवर्णा पांडे आजकल ये है चाहते सीरियल में नजर आ रही है, जिसमें वो रूही का खूबसूरत किरदार निभा रही है। रूही अपने अंदाज से सभी को दीवाना कर देती है, अपनी प्यारी प्यारी बातों से वो सभी का दिल भी जीत लेती हैं। वेल, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर स्वर्णा पांडे अपने किरदार को बखूबी निभा रही हैं और सभी उनके इस किरदार की उनकी एक्टिंग की भी खूब तारीफें करते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इन सभी चाइल्ड आर्टिस्ट में से आपका पसंदीदा चाइल्ड आर्टिस्ट कौन सा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।